नमस्कार, आज हम जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो है जिसमें एथिक्स के बारे में बात की जाती है उस विषय पे बात करेंगे। अब जब हम ये एथिक्स की क्लास शुरू करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो वो तरीके के क्वेश्चंस हैं जो जनरल कंसेप्ट और थ्योरी पे बेस्ड हैं, और दूसरे क्वेश्चंस या दूसरे सवाल उस तरीके के होते हैं जो केस स्टडीज़ पे बेस्ड हैं। अब केस स्टडीज़ डेफिनेटली एक स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि उसमें आपका पर्सपेक्टिव, आप किस तरीके से सोचते हैं और आप किस तरीके से, आपकी नैतिकता क्या है उसके बारे में आप लिखते हैं, तो वो डेफिनेटली एक स्कोरिंग सेक्शन है। यूजुअली एक केस स्टडी अगर 20 मार्क्स की है तो 16 मार्क्स तक स्कोर करने का उसमें ऑप्शन रहता है, और ये एक डिसेंट स्कोर है जो रहता है। अब अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स के अंदर चार चीज़ें हैं। पहला है संस्कार, दूसरा है व्यवहार, और मोरालिटी और एथिक्स, नैतिकता, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में करेंगे। आज हम सिर्फ इन दो विषयों पर बात करेंगे जो है संस्कार और व्यवहार। संस्कार मतलब वैल्यूज़ और व्यवहार मतलब एटीट्यूड। तो अब हम देखते हैं कि संस्कार और व्यवहार सबसे पहले किस तरीके से अलग हैं और ये चारों ही क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अगर एक आदमी की मानसिकता के बारे में समझें तो आदमी एक हिमशैल की तरह है, एक आइसबर्ग की तरह है, जिसमें सिर्फ उस व्यक्ति का 10% हिस्सा जो है वो बाहरी दुनिया को पता है, और 90% उस व्यक्ति का हिस्सा और उस व्यक्ति के बारे में उसे स्वयं को पता है। तो ये जो 10% जो कि समुद्री सतह से बाहर है, जो विजिबल है, जो दिखता है, वो 10% हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की नॉलेज और एबिलिटी पे बेस्ड है, उस व्यक्ति के स्किल्स पे बेस्ड है। इसके विपरीत जो 90% है वो उसके संस्कार, व्यवहार और वो सब कुछ जो है वो उसका इंटरनल है या उसके अंदर है, और वो हर व्यक्ति का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग होता है, और किन्हीं भी दो व्यक्तियों का समान हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब ये जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम मिला के वेम थ्योरी कहते हैं, या वेम कहते हैं, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, मोरालिटी और एथिक्स। इसमें से जो दो हम आज करेंगे उसके बारे में हम नीचे जानेंगे, पर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये वेम क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि आदमी अगर अपने अंदर एक तरह का संयम ना रखे तो क्या होगा, पूरा जो समाज है वो अस्थिर हो जाएगा, तो समाज में एक तरह की हड़बड़ी मच जाएगी। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि क्लास सुबह 9 बजे रहती है, अगर टीचर 9:30 बजे पहुँचते हैं, बच्चे 10 बजे पहुँच रहे हैं, कुछ 11 बजे पहुँच रहे हैं, कुछ 8 बजे ही पहुँच गए, तो क्या होगा, इसमें किसी भी तरीके की समानता या स्थिरता नहीं हो सकती, और कोई भी एक क्लास से दूसरी क्लास पर आगे बढ़ना या एक पीरियड से दूसरे पीरियड पर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर व्यक्ति अपने अंदर जो उसकी उसका व्यवहार है या जो उसकी संस्कार हैं उनको बनाए रखें। तो जब ये समाज में बने रहते हैं तो समाज में एक तरह का गठबंधन या इंटीग्रेशन होता है जिससे समाज आगे बढ़ सकता है। अब जैसा कि हमने कहा, यह हर व्यक्ति का अलग होता है। अब जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं संस्कार का, कि ऐसा कहा जाता है कि बड़े व्यक्तियों के पैर छूने चाहिए, तो इससे आपका जो भी ईगो है वो ख़त्म होता है, और ये एक तरह की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अब ये परंपरा हमारे समाज में अलग है, दूसरे समाज में इस तरह की परंपरा नहीं है, या दूसरे राष्ट्रों में इस तरह की परंपरा नहीं है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये परिवार से निकलती हैं, या आपके समाज से निकलती हैं, या आपके दोस्तगण से निकलती है, और ये आप जहाँ पे कार्य करते हैं और आपके आसपास जो आपका सराउंडिंग है वहाँ से उदय होती है। तो ये पूरा एक तरह का सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो कि हम समझते हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो आपका व्यवहार है वो हर व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से अलग होगा। तो एटीट्यूड और वैल्यूज़, व्यवहार और संस्कार, दो बहुत ही विपरीत शब्द हैं या बहुत ही अलग शब्द हैं जो हम समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ जैसा कि हमने कहा संस्कार को कहते हैं हिंदी में, और ये एक सेट ऑफ बिलीफ है कि हमें सोसाइटी में इस तरीके से कार्य करना चाहिए। जैसे सच बोलना अच्छी आदत है, या समय पे पहुंचना अच्छी आदत है।
तो ये एक तरह की क्या हो गया, ये एक तरीके के संस्कार हैं जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि स्कूल रोज़ 9 बजे ही लगता है या स्कूल रोज़ 7 बजे ही लगता है, तो आप उससे एक तरह की पंक्चुअलिटी सीख रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई। अब वैल्यूज़ भी विभिन्न विभिन्न तरह की होती हैं जो हम आगे समझेंगे। ये वैल्यूज़ हर इंसान के दिमाग में रहती है और जब ज़रूरत होती है तो ये एक एक्शन में बदल जाती है, या यही चीज़ जो दिमाग में है ये कार्यरत हो जाती है। इसी तरीके से ये हमें सही और गलत के बीच में भेद करने में मदद करती है। और इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हम कहते हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव है या जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, अगर हम वो समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दो बच्चे हमने देखे या दो बच्चे हैं जिन पर हमने स्टडी की, एक जो कि भारत में पला बड़ा है और एक दूसरा जो कि अमेरिका में पला बड़ा है। जो भारत में पला बड़ा है वो अपने बड़े लोगों के ज़्यादा संपर्क में आया है, उसकी वजह से उसे कुछ वैल्यूज़ पता हैं जो सदियों से समाज में चली आ रही हैं, जैसे बड़ों के पैर छूना, अलग अलग त्यौहार मनाना, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं। पर दूसरी तरफ जो बच्चा एकदम अकेला पला बड़ा है, उसे इन सब चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है या इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है उसे ये भी ना पता हो कि बड़े लोगों के पैर छुए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का गैप हो गया जो दोनों सोसाइटीज़ में है, पर ये अपनी अपनी जगह पर उन दोनों जगहों के लिए अपनी अलग वैल्यूज़ या अपने अलग संस्कार हैं। तो हर देश का, हर राज्य का, हर समाज का अपना एक अलग संस्कार होते हैं जो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ाता है। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम जन्म से सीखते हैं या जो हमारे जीन्स में है या हमारे बायोलॉजिकल मेकअप में है, और दूसरा जो हम पर्यावरण या हमारे बाहरी समाज से सीखते हैं। जो हम समाज से सीखते हैं उसमें वापस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका फैमिली हो सकती है, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, मीडिया हो सकता है, और भी भिन्न भिन्न कई चीज़ें हो सकती हैं। पर ये वैल्यूज़ या ये संस्कार बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये संस्कार बनना शुरू होते हैं जन्म से, जब बच्चा परिवार के या अपनी फैमिली के संपर्क में आता है। जब वो परिवार से बाहर निकलता है तो उसके मित्रगण या उसके टीचर्स, उसके शिक्षकों से ये संस्कार बनने शुरू होते हैं। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये सोशलाइजेशन का या सामाजिकरण का रिजल्ट है। जैसे जैसे समाज में आप इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के से बातचीत करते हैं, आप इस चीज़ को और ज़्यादा समझते हैं, और धीरे धीरे कई बार किताबों से, कई बार कुछ आपके रोल मॉडल्स हो जाते हैं लाइफ में, जैसे कोई कहे कि अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे रोल मॉडल थे, तो इस तरीके से आपके अलग अलग रोल मॉडल्स जो बनते हैं उनके द्वारा आप कुछ कुछ वैल्यूज़ सीखते हैं जो आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। अब ये वैल्यूज़ ज़रूरी क्यों हैं, सबसे पहला कारण इनके ज़रूरी होने का ये है कि ये अल्टीमेटली आपके व्यवहार कैसा होगा उसको निर्धारित करती हैं, और दूसरा ये सही और गलत में पहचान करवाने में मदद करती हैं। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप स्कूल गए, वहाँ पर आपको ज़मीन पर एक पेंसिल पड़ी हुई दिखी, तो अब इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो वो बच्चा कर सकता है। पहला तो वो पेंसिल उठाए और उठा के टीचर को दे दे, दूसरा वो पेंसिल उठा के अपने पास रख ले, और तीसरा वो उस पेंसिल को देखे ही नहीं, उसको ओमिट कर दे और वहाँ से चला जाए। तो ये कुछ अलग अलग सिनेरियो हैं। अब वैल्यूज़ क्या कहती हैं, वैल्यूज़ ये कहती हैं कि अगर किसी और का सामान है तो आपको उसको हाथ लगाना नहीं चाहिए, या आप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको उसको टीचर को दे देना चाहिए। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये सही है, और उठा के अपने पास रख लेना ये गलत है। तो वैल्यूज़ आपको सही और गलत में भेद करने में मदद करती हैं, और आपका अल्टीमेटली क्या बिहेवियर होगा, आप किस तरीके से अपना व्यवहार करेंगे, वो इस चीज़ से निकलता है। अब अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं जो हम समझेंगे। मुख्यतः हम दो भागों में इसको समझेंगे। पहला है टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल व्यवहार संस्कार,
या वैल्यूज़, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रिंसिक वैल्यूज़। जो टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल जैसे कि हम ट्रेन में बोलते हैं टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट है जहाँ पर वो पहुँचता है, तो इसी तरीके से वैल्यूज़ का अंत कहाँ पर होगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंटल होगा। और ये माध्यम किसका है, ये माध्यम धर्म का है, या जिसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ राइटियसनेस, या सही कर्म करने का। तो ये जो सही कर्म करने का रास्ता है, ये अल्टीमेटली आपको मोक्ष या साल्वेशन की प्राप्ति करवाता है, जो कि आपकी टर्मिनल वैल्यू है या अंत उद्देश्य है। क्या हिंदू धर्म में जिसे कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति हो, तो वो एक हो गया टर्मिनल वैल्यू और दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अब यही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को अगर हम वापस समझें, तो पहली चीज़ तो जो टर्मिनल वैल्यू है वो दो तरीके की होती है, पर्सनल वैल्यू और सोशल वैल्यू, और जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है वो वापस दो तरीके की हो सकती है, मॉरल वैल्यू या कॉम्पिटेंस वैल्यू। अब अगर ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम वापस समझें, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है वो एक माध्यम है हमें असली वैल्यू तक पहुँचने का। तो जैसा कि हम कहते हैं कि असली वैल्यू है हैप्पीनेस या हेडोनिज्म, जो कि हम आगे सीखेंगे। हेडोनिज्म में हम ये कहते हैं कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिले और कम से कम पनिशमेंट मिले, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं ये क्या करती हैं, जैसे एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो सकती है मनी, दूसरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो सकती है ओबीडियंस। इन सब वैल्यूज़ का अपने आप में कोई औचित्य नहीं है, पर ये आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आपके अंदर की वैल्यूज़ है, जो आपके अंदर की खुशी है, वो प्रदान करती है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं वो हर व्यक्ति की पर्सनल है और वो इंडिपेंडेंट है, वो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की तीसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है, और हर व्यक्ति की खुशी का पैरामीटर या स्तर दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। एक बच्चा सिर्फ चॉकलेट लेके खुश हो सकता है, एक सिर्फ चॉकलेट का नाम सुन के खुश हो सकता है। तो ये खुशी का कोई दायरा नहीं है, ये एक इंट्रिंसिक फिनोमेना है, और हर व्यक्ति एक व्यक्ति से हर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से भिन्न होता है। अब अगला है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार। जैसा कि हमने कहा, व्यवहार और संस्कार दो अलग चीज़ें हैं। जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो इसमें हमारा किसी भी चीज़ के प्रति रुझान क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने इंग्लिश की क्लास में समझा, हम यहाँ पे वापस वही एग्जांपल लेते हैं। तो अगर इसमें हम ये कहते हैं कि मुझे किसी भी जानवरों से दोस्ती पसंद नहीं है, तो ये क्या हो गया, मेरा एटीट्यूड या मेरा व्यवहार हो गया जानवरों के प्रति। अब ये हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो। तो ये एक बाइपोलर ट्रेट हो गया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लिनेशन दोनों हो सकते हैं, और इस इंक्लिनेशन का अलग अलग स्तर हो सकता है। जैसे किसी को ज़्यादा ना पसंद हो, किसी को कम ना पसंद हो, किसी को ज़्यादा पसंद हो, और किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ये इसमें एक अलग अलग लेवल है या डिग्री है, इंटेंसिटी है, जो कि हम समझ सकते हैं। और ये मुख्यतः एक परमानेंट चेंज है जो कि होता है, और टाइम के साथ हम बोलते हैं ऐसी थ्योरीज हैं जो व्यवहार को बदलने की बात करती हैं, पर ये थ्योरीज कुछ दिनों में या कुछ घंटों में नहीं हो सकती, ये कुछ सालों का फिनोमिना है जो धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मुख्यतः व्यवहार वो है जो आपने सीखा है और लंबे समय तक आपके साथ चलता रहेगा, और इसमें सोशलाइजेशन या सामाजिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब जब हम बोलते हैं एटीट्यूड जनरेशन का प्रोसेस क्या है, तो एटीट्यूड जनरेशन के प्रोसेस में चार चीज़ें, या व्यवहार किस तरीके से बनते हैं, इसमें चार चीज़ें प्रमुख हैं। सबसे पहले तो बिलीफ है कि आप किस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप उस चीज़ को कैसा समझते हैं, उससे आपका व्यवहार निर्धारित होता है। वो व्यवहार आपके इंटेंशंस बताता है कि आप वो कार्य करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और फाइनली ये बताता है कि आप वो कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, या आपका बिहेवियर गवर्न करता है। अब अगर आपका व्यवहार अच्छा है किसी चीज़ के प्रति, तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ लाएगा या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा,
दूसरी तरफ अगर आपका किसी चीज़ या वस्तु के प्रति नेगेटिव व्यवहार है तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा अलूफनेस या रिसेंटमेंट लाएगा, ज़्यादा नीरसता लाएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एटीट्यूड में हम समझेंगे, व्यवहार में एक ABC मॉडल होता है जो साइकोलॉजी में हम बात करते हैं। इसमें तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कॉग्निटिव। अफेक्टिव मतलब जो कि हम समझते हैं या जो कि हम फील करते हैं, जो कि हम महसूस करते हैं। बी से बिहेवियरल मतलब जो हमने एसोसिएशंस बना लिए हैं, जो हमने सीखा है या जो हमारा अल्टीमेट एक्शन होगा। और सी से कॉग्निटिव मतलब जो कि हमारे दिमाग ने समझा है, पहचाना है और वो कार्य करना चाहता है उस बारे में। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। इस उदाहरण से अगर आप समझें तो जो कॉग्निटिव एलिमेंट है वो आपके दिमाग को गवर्न करता है, जो अफेक्टिव एलिमेंट है वो आपके दिल को गवर्न करता है और अल्टीमेटली आपका बिहेवियर या एक्शन उससे गवर्न होता है। अब हम बात करते हैं व्यवहार के फंक्शंस की। तो चार प्रमुख फंक्शन होते हैं। पहला है ईगो डिफेंसिव, मतलब अगर मेरे सामने कुछ भी खराब परिस्थिति आई तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि मैं उस परिस्थिति से दूर भाग जाऊं या ऐसा बिहेव करूं कि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो हो गया ईगो डिफेंसिव। दूसरा होता है एडजस्टिव, इंस्ट्रूमेंटल, अडॉप्टिव या यूटिलिटेरियन, मतलब आप उसके साथ एडजस्ट कर लें और जैसा परिस्थिति चाहती है आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लें और उस तरीके से कार्यरत हो जाएं। अगला है वैल्यू एक्सप्रेसिव या सेल्फ एक्सप्रेसिव, जिसमें आप अपने बारे में दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। और आखिरी है नॉलेज फंक्शन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी नॉलेज या आपकी जो भी किसी चीज़ के प्रति अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आप अपने आपका व्यवहार निर्धारित होता है। तो अगर हम समझें तो व्यवहार और संस्कार में प्रमुख अंतर क्या है। सबसे पहला तो जो संस्कार हैं वो एक जनरल फिनोमिना है, जबकि जो व्यवहार है वो स्पेसिफिक फिनोमिना है, वो किसी एक पर्टिकुलर विषय या वस्तु से रिलेटेड है। जबकि जो वैल्यूज़ हैं वो जनरल है, जैसा कि हम कहते हैं कि ऑनेस्टी एक वैल्यू हो गई, पर किसी जानवर के प्रति आपका रुझान कैसा है या व्यवहार कैसा है वो एटीट्यूड हो गया, तो वो स्पेसिफिक चीज़ के प्रति है या स्पेसिफिक स्टिमुलाई के प्रति है। दूसरा, इसमें बहुत सारे बिलीफ मिलके आपके एक एटीट्यूड को गवर्न करते हैं, जबकि इसमें एक बिलीफ एक एटीट्यूड को या एक वैल्यू को गवर्न करता है। यहाँ पर मल्टीपल बिलीफ्स हैं जो उस चीज़ के बारे में आपके हैं, जिसकी वजह से आपका उस चीज़ के प्रति ऐसा व्यवहार बना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वो हो सकता है मल्टीपल कारणों की वजह से हो, जैसे मुझे जानवर पसंद नहीं है, मेरा कभी उसके साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, या कभी मैंने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जानवर पालना अच्छा नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग सेट ऑफ बिलीव्स हैं जिसकी वजह से आपका एक व्यवहार निर्धारित होता है। पर वैल्यूज़ जो हैं, जो संस्कार हैं, वो एक सर्टन बिलीफ है जो सही और गलत, एक काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंग्विश है, जो कि हम समझ सकते हैं कि या तो है या नहीं है, या सही है या गलत है, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा, ये जो है आपसे बहुत कम लूजली कनेक्टेड है, जबकि वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी की बात करूँ, तो वो हो सकता है कि मैं बहुत उससे करूँ कि हाँ, सत्य बोलना बहुत अच्छी चीज़ है और हमें बोलनी चाहिए, तो मेरा इसके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर मैं बोलूँ कि जानवर रखना अच्छी बात नहीं है, तो वो ठीक है, उसके प्रति मेरा कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है कि ये चीज़ ऐसे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज़ जब हम बात करते हैं तो आप उसको अपने आप से ज़्यादा क्लोज महसूस करते हैं। और दूसरा, जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, वो आपके सोसाइटी और कल्चर से आते हैं, जबकि जो आपका व्यवहार है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से गवर्न होता है। अब आखिरी चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एथिक्स के लिए, बस यहाँ पर हमने जानकारी के लिए रखा है, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है वो आपके एटीट्यूड से अलग होता है। इंटरेस्ट इंडिविजुअल होता है, ये समाज के द्वारा या आपके हेरिडिटी के द्वारा हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे आर्ट की चीज़ों में इंटरेस्ट है या मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो ये क्या हो गया, ये एक इंडिविजुअल फिनोमिना हो गया जो
एक आदमी की अंदर की सोच है और वो उसे कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये हो गया इंटरेस्ट, जो कि आपका एटीट्यूड और वैल्यूज से अलग है। आज की क्लास में हमने संस्कार और व्यवहार के बारे में समझा। आगे की कक्षाओं में हम मोरालिटी, नैतिकता और एथिक्स के बारे में समझेंगे। हम GS पेपर 4, जो कि आपके UPSC के सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में और भी क्लासेस लेते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।